किसान अंदोलन लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पटीशन से सुनवाई दौरान उच्च अदालत ने वीरवार को स्पष्ट किया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को घटा नहीं सकता है, पर यह देखना पवेगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करन अते लोकां दे अधिकारां दी उलंघना भी ना होवे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेती कानूनों बारे जारी जमूद खत्म करने लई असीं खेती माहरां अते किसान यूनियन दा निरपक्ष ते खुदमुख्तार पैनल बनाउण ते विचार कर रहे हां। अज इन्हां पटीशनां दी सुनवाई तों पहलां चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने साफ किया कि उच्च अदालत अज वैधता ते फैसला नहीं देवेगी, अज सिर्फ किसान प्रदर्शन ते सुनवाई होवेगी। अदालत ने कहा कि पहला असी किसानों वालों रोकी गई सड़क अते उसके नागरिकां दे अधिकारां ते पैण वाले असर ते सुनवाई करांगे। खेती कानूनों की वैधता के मामले में इंतजार करना पवेगा। उधर केंद्र का पक्ष रखदिया सीनियर वकील ने दलील दी कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली आने वाले मार्ग बंद किए हुए हैं, जिस नाल दुध फल अते सब्जियां की कीमत वध गई है। चीफ जस्टिस ने कहा असी प्रदर्शन के अधिकार नूं सही मानते हाँ, असी इस ते रोक नहीं लावांगे, असी स्पष्ट करते हैं कि असी कानून के विरोध में मौलिक अधिकारों नूं मानता दिंदे हाँ, इस ते रोक लाउण दा सवाल ही नहीं है, पर इस दे नाल ही किसी का जानी नुकसान भी नहीं होना चाहिए है। तुहानूं दस दईए कि बुधवार को उच्च अदालत ने सरकार ते किसान यूनियन के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाउण की गल कही सी, जिसते प्रदर्शनकारियां किसान यूनियन के आगुआं ने कहा सी कि यह कोई हल नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अटारनी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि उन्हां विचों कोई भी चेहरा मास्क नहीं पहनता है, वह वड्डी गिनती विच इकट्ठे बैठते हैं, करोना महामारी चिंता का विषय है, वह पिंड जाणगे अते उत्थे करोना फैलाउणगे, किसान दूजियां दे बुनियादी अधिकारां दी उलंघना नहीं कर सकते। फिलहाल किसान अंदोलन संबंधी हुण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुलतवी कर दी गई है। अदालत में किसी भी किसान संगठन की गैर हाजिरी करके कमेटी का फैसला नहीं हो सकया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह किसानों नाल गल करन तों बाद ही अपना फैसला देंगे। इस अलावा एक होर बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों दी छुट्टियां हैं, इसलिए छुट्टियों का बेंच इसनों सुनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।